हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रैगन चिकन, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ड्रैगन चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं बोनलेस चिकन, इसको इस शेप में काट लिए हैं। कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस, कैप्सिकम, गार्लिक, जिंजर, स्प्रिंग ऑनियंस, ड्राई रेड चिली, कैश्यू नट्स, एग एंड ऑयल। तो सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, तो इस चिकन में हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और ये अंडा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट के बाद हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। अब ये जो मैरिनेट किए हुए चिकन थे उसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये चिकन पीसेस को एक एक करके आप हाथ से या फिर इसे फॉर्क से भी डाल सकते हैं। याद रखिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लेंगे ताकि ये जो चिकन पीसेस है वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये जो चिकन पीसेस थे वो अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ड्रैगन चिकन बनाने के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें यह लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही कुछ समय के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ये ड्राई रेड चिली डाल के इसे भी कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ये काजू भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हम लोग का फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये कटे हुए कैप्सिकम डाल देंगे। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप यहाँ पे प्याज को काट के भी डाल सकते हैं। इसे भी हम कुछ समय के लिए सॉटे कर लेंगे। फिर हम इसमें सॉस डालेंगे। ये कैप्सिकम हम लोग का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस,
1.5 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 सॉस डाल देंगे। यहाँ पे हमने 2.5 से 3 चम्मच टमाटो सॉस का यूज किए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ समय के लिए फ्राई कर लेंगे। ये कैप्सिकम और मसाला हम लोग का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये शुगर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। याद रखिए, ये रेसिपी एक ड्राई रेसिपी है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में हल्का सा बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ग्रेवी हम लोग का बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें ये फ्राइड चिकन्स डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही कुछ समय के लिए सॉटे कर लेंगे, ताकि ये जो ग्रेवी और चिकन पीसेस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम कुछ समय के लिए मिक्स करेंगे। ये देखिए, ड्रैगन चिकन हम लोग का रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।